हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. मे आई नो इफ आई एम ऑडिबल? ओके, सो इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? इज द स्क्रीन विजिबल? ओके, सो आई गेस लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या फिनिश किया था. लास्ट क्लास में हमने वर्ब्स पढ़े थे, ठीक है. आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, टेंसेस. ठीक है, अभी हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हो गए हैं? आर्टिकल्स वी हैव डन, ठीक है, प्रेपोजिशंस वी हैव डन, एंड वर्ब्स वी हैव डन, राइट. ये सब हमने कर लिया, ठीक है. आज हम लोग शुरू करेंगे टेंसेस, ठीक है. फर्स्ट क्लास टेंसेस की जो होगी वो थोड़ी सी स्लो होगी, ठीक है. और इसमें हम प्रेजेंट टेंस जो है वो पढ़ेंगे. सेकंड एंड थर्ड क्लास आई विल सी इसमें पास्ट टेंस और इसमें फ्यूचर टेंस. मे बी टू क्लासेस में हम टेंसेस चैप्टर जो है खत्म कर दें, टू नहीं तो थ्री में कर देंगे. तो इट विल टेक 2-3 डेज टू फिनिश दिस चैप्टर टेंसेस, राइट. आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा टेंसेस चैप्टर, अब आज पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है. और जैसे मैं पढ़ाऊंगी बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे. सारे रूल्स याद रखेंगे, इजी हैं बहुत रूल्स. रूल्स जो हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, दे आर मोर इन नंबर, बट देन दे आर वेरी इजी ऑल्सो, राइट. तो डोंट वरी अबाउट दी नंबर्स, इजी होगा, ठीक है. तो अभी शुरू करते हैं चैप्टर, राइट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव ज्वाइन? लेट मी जस्ट सी. ओके, आई हैव सफिशियंट स्टूडेंट्स इन द रो. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सी, तो टेंसेस जनरली जब हम बात करते हैं, टेंसेस नॉर्मल भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा. टेंसेस बेसिकली क्या होते हैं? टेंसेस की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. टेंसेस जो है वो बेसिकली आपको क्या बताता है, ये छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. टेंसेस जो है वो टाइम ऑफ एक्शन बताता है, कि जो टाइम है, जो एक्शन है, एक्शन का टाइम क्या था, जो एक्शन है वो कब हुआ है, ठीक है. कोई भी काम अगर हो रहा है, ठीक है, वो कब हो रहा है, तो किस चीज का बेसिकली टाइम डिनोट करेगा,
वर्ब का। वर्ब बेसिकली क्या था? वर्ब वॉज काम ही ना, सब्जेक्ट जो काम कर रहा था, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा था वो बेसिकली क्या था? वर्ब था। और वर्ब का टाइम जो बताता है वो बेसिकली क्या होता है? टेंसेस होते हैं। ठीक है, दे शो वेन द वर्क इज डन, वो बताते हैं कि काम कब किया गया। राइट, काम जो है वो पास्ट में हुआ, वो प्रेजेंट में हो रहा है, या वो फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, टाइम ऑफ द एक्शन बताने वाले बेसिकली क्या को क्या बोलते हैं हम? टेंस बोलते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ एक्शन जो बताए उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? टेंस। राइट, और ये सबको हमें पता है कि टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। राइट, लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूं तो टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? 12 टाइप्स के। इसके पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के भी आगे 4 4 टाइप्स हैं, तो हेंस 4 into 3 कितना हुआ? 12 हो गया। राइट, देखो पास्ट टेंस जो है क्या होगा कि सपोज फ्राइडे को, ठीक है, हमने क्लास की थी लास्ट, सैटरडे को आपका वीकली टेस्ट था, संडे को ऑफ था। राइट, तो फ्राइडे को बेसिकली क्या था? लास्ट हमारी क्लास कब हुई? फ्राइडे को हुई। ठीक है, तो फ्राइडे को पढ़ चुके हम एक बार, वर्ब्स चैप्टर हमने कब फिनिश किया था? फ्राइडे को फिनिश किया था। तो ये जो एक्शन था ये क्या हुआ? पास्ट का हुआ। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो ये एक्शन जो है वो कब चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, आज हम कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल भी हम टेंसेस ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पास्ट में मतलब जो हो चुका है, ठीक है, था। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में जो है वो बेसिकली क्या है? ठीक है, और जो फ्यूचर का होगा उसको कैसे पहचानोगे? होगा। तो हिंदी में जब हम बोलते हैं कि खाना खा चुका था, ठीक है, स्कूल गया था, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो है वो बेसिकली आपको ये डिनोट करते हैं कि जो काम है वो कब हो रहा हुआ है? पास्ट में हो। ठीक है, खाना खा रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है, कर रहा है, ये सब एक्शंस जो है ये प्रेजेंट के एक्शंस हैं। ये क्या डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं कि आप कोई भी काम को बेसिकली क्या कर रहे हो? अभी प्रेजेंट में कर रहे। ठीक है, होगा बेसिकली क्या होगा? होगा का बेसिकली क्या होगा? होगा जो है वो आने वाले कल को डिनोट करता है। ठीक है, टुमारो को, कल जो आप काम करोगे, ठीक है, उसको जो शो करेगा, उसको जो डिनोट करेगा वो बेसिकली क्या होगा? फ्यूचर टेंस। तो यस्टरडे में जो हुआ दैट इज पास्ट टेंस, आज टुडे में जो हो रहा है दैट इज प्रेजेंट टेंस, एंड टुमारो जो होगा दैट इज व्हाट? फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इजी वर्ड्स में इसको ऐसे याद रख सकते हो। अब हर एक टेंस के अपने आगे पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल पास्ट टेंस में आप सिंपल पास्ट पढ़ोगे, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ोगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ोगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ोगे। राइट, सो पास्ट टेंस के कितने पार्ट पढ़ोगे? 4 पार्ट्स। उसके बाद प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट पढ़ोगे? 4 पार्ट्स। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट, ओके। उसके बाद देखो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में भी सेम ही 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं फ्यूचर टेंस में? सिंपल फ्यूचर है, राइट, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, उसके बाद बेसिकली आपका फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हेंस जो आपके मेन तीन तीन मेन जो है वो कितने पार्ट्स बनेंगे? टाइप्स बनेंगे 3, और इन 3 टाइप्स के भी फर्दर कितने कितने पार्ट्स हैं? इन 3 टाइप्स के भी फर्दर 4 4 पार्ट्स हैं। हेंस हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टेंसेस जो है वो कितने हुए? 12। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। आई होप आई एम एबल टू मेक द डेफिनेशन ऑफ द टेंसेस क्लियर टू एवरीवन। पास्ट वॉज यस्टरडे में जो काम हुआ, प्रेजेंट इज टुडे में जो काम हो रहा है, और फ्यूचर इज टुमारो में जो होगा। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। राइट, विद दिस आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अभी ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक एनिमेटेड सा पिक्चर लगाया सो दैट आप लोग बेटर समझ सको। ठीक है, आपको ऐसा फीलिंग आएगा जैसे हम क्लास 4th में पढ़ रहे हैं, बट डोंट वरी, हम लोग शुरू से टेंसेस को बिल्कुल, या कोई भी चैप्टर जो हम इंग्लिश ग्रामर का कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट फ्रॉम द स्क्रैच सो दैट यू नो आपको बेसिक्स जो है समझ आ सके। राइट, तो अभी देखो टेंसेस, अभी क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या बताता है? यस्टरडे की जो काम किया, फॉर एग्जाम्पल सैम प्लेड ब्लॉक्स, ठीक है, तो ये वर्ब है। प्ले क्या होगा? वर्ब। प्ले जो है वो एक्शन बता रहा है, ठीक है, हेंस व्हाट इज प्ले? प्ले इज वर्ब। तो वर्ब का क्या बता रहा है ये? टाइम। राइट,
एक्शन इज डन इन द पास्ट, राइट। अब देखो टूडे प्रेजेंट टेंस किस चीज को बता रहा है, टूडे को, आज जो काम हो रहा है, द चिल्ड्रंस प्ले, ठीक है। अब प्ले क्या है, वर्ब, वर्ब का टाइम जो बताया उसको क्या बोलेंगे, टेंस, राइट। फ्यूचर टेंस बेसिकली क्या बताता है, टुमारो, आने वाले कल में जो आप काम कर रहे हो, ठीक है। द चिल्ड्रंस विल प्ले, शी विल प्ले विद हर डॉल, ठीक है। द चिल्ड्रन विल प्ले इन द पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्ले वर्ड है, विल प्ले, ये जो है ये बेसिकली क्या हुआ आपका, यहाँ पे ये आपका आपके फ्यूचर के यानी कल होने वाले काम को क्या है बता रहा है, ठीक है। उसके टाइम को बता रहा है कि जो चिल्ड्रन है वो कब प्ले करेंगे, वो कल प्ले करेंगे, राइट। द चिल्ड्रन विल प्ले, तो यहाँ पे विल प्ले जो है क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि काम जो है वो आने वाले कल में होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, इससे आपको और बेटर क्लैरिटी मिल गई होगी, राइट। अब हम जो है आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस से जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, शुरू करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट द रूल्स, है ना, या बिफोर आई डायरेक्टली जंप ऑन टू द रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनेट है, जो भी, है ना, इट्स बेटर कि मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूं, ठीक है, किस चीज का, सेंटेंसेस का। ऑल्दो इस चैप्टर को हम डिटेल में करेंगे, ठीक है, बट देन सेंटेंसेस बेसिकली क्या होंगे, देखो सेंटेंस बेसिकली क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा क्या है आपका, एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस कैसे बना, फॉर एग्जाम्पल शी इज प्लेइंग, ये क्या है, सेंटेंस है, राइट। कैसे बना, ये 1, 2 एंड 3, इन 3 वर्ड्स को मिला के बना, तो हैंड सेंटेंस क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हुआ आपका, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसका एक मीनिंग हो, ठीक है। शी इज प्लेइंग, अब शी इज प्लेइंग जो है इसमें 1, 2 और 3, 3 वर्ड्स आपने क्या किए, इंक्लूड किए, क्या इनका कोई मीनिंग निकल रहा है, यस, ठीक है। क्या मीनिंग निकल रहा है शी इज प्लेइंग का, आपको क्या पता चलता है इसको पढ़ के, इसको पढ़ के आपको ये पता चल रहा है कि वो लड़की खेल रही है, शी इज प्लेइंग, ठीक है, वो खेल रही है, राइट। तो एक मीनिंग भी निकल रहा है। तो सेंटेंसेस बेसिकली क्या हुए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुए, कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा या जो एक स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करेंगे, राइट, ठीक है। अब सेंटेंसेस जो होते हैं ना, उनके भी कुछ क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक बहुत सारे ग्राउंड्स के बेसिस पे हमने बेसिकली क्या किया, सेंटेंसेस को बेसिकली क्या किया है, डिवाइड किया है। पर मेनली एक अगर मैं रफ कैटेगराइजेशन की बात करूं, जो बेसिक फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है, पहला होगा एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट। तो मेनली अगर रफ कैटेगराइजेशन हम सेंटेंसेस का पढ़ें, तो सेंटेंसेस जो है ये 4 तरीके के यहाँ पे दिए गए हैं, टेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझाए गए हैं, ठीक है, वो 4 तरीके के हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, ठीक है। वैसे हम और भी फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, लेकिन ये सब हम ना यहाँ पे बेसिकली सेंटेंस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। हम लोग सेंटेंस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, लेकिन अभी के लिए आप लोग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर टेंसेस, आप लोग बेसिकली ये समझो कि सेंटेंसेस जो हैं वो मेनली ये 4 टाइप्स के हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, राइट। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, देखो लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड, एफर्मेटिव, राइट। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं एनी सेंटेंस, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो बेसिकली क्या है, जो बेसिकली पॉजिटिव हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस दैट इज पॉजिटिव वो क्या हो जाएगा आपका, एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बताया था मैंने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, विच इज कन्वेइंग सम मीनिंग, ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होगा जो बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस फिर क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होगा जो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या होगा, जैसे कि नॉट ऐड कर दो आप किसी सेंटेंस में, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन
ऑफ सेंटेंसेस भी एक टॉपिक है सेंटेंसेस चैप्टर में, जो हम पढ़ेंगे कि एफर्मेटिव से नेगेटिव में आप कैसे लेके जाओगे सेंटेंस को, और मे बी इंटेरोगेटिव कैसे कन्वर्ट करोगे या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है, वो सब हम यहीं पे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि एफर्मेटिव सेंटेंस जो है कोई भी ऐसा सेंटेंस हो सकता है जो बेसिकली क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टूडेंट, ठीक है, यू आर स्टूडेंट, अभी क्या है, इट इज अ एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव क्यों, क्योंकि पॉजिटिव सा सेंटेंस है, सिंपल सा एक, ठीक है। शी इज अ गुड गर्ल, एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, ठीक है। टीना इज अ डॉक्टर, एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। वी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, एफर्मेटिव सेंटेंस, राइट, ओके। उसके बाद देखो, आई हैव बीन टू रशिया, एफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। तो एफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होगा जो कुछ भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव सा सेंटेंस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस जिसमें आपको एक नेगेटिव कोनोटेशन आएगी, नॉट ऐड हो जाएगा, नेवर, ठीक है, डू नॉट, विल नॉट टाइप्स, ऐसे सेंटेंसेस होंगे वो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ स्टूडेंट को अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो तो यू आर नॉट अ स्टूडेंट, राइट। शी इज अ गुड गर्ल, शी इज नॉट अ गुड गर्ल, ये नेगेटिव बन गया आपका। टीना इज अ डॉक्टर, टीना इज नॉट अ डॉक्टर, ये नेगेटिव बन गया आपका, ठीक है। आई हैव बीन टू रशिया, आई हैव नॉट बीन टू रशिया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। वी वॉच टीवी लास्ट नाइट, वी डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट, ठीक है, वी डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू एवरी वन, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई गेस आई, ओके, व्हाट इज दिस हैपनिंग, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके, चलिए। आई होप इट इज विजिबल नाउ, अभी दिख रहा है सबको, बोर्ड क्लियर है, ठीक है। तो व्हाट वर वी डूइंग, वी वर स्टडिंग द नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली क्या होंगे, जहां पे नॉट जो है वो बेसिकली क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, ओके okay? तो आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली अब देखो, थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जो हम देखने वाले हैं, व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज देयर, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव के बाद हम देखेंगे, आई होप एफर्मेटिव आपको सबको समझ आया होगा और नेगेटिव भी सबको समझ आया होगा। तो अभी स्टार्ट करने से पहले हम एक दो और टाइप के सेंटेंसेस देखेंगे, बहुत सिंपल है, इंटेरोगेटिव, और सेकेंड देखेंगे हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है या आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, जहां पे कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, दैट विल बी द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इज शी योर सिस्टर, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस में आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, क्या वो तुम्हारी सिस्टर है, ठीक है। तो इससे तुम्हें बेसिकली क्या पता चल रहा है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हेंस यहाँ पे बेसिकली आप क्या कहोगे, दिस इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, नाउ दिस इज वॉट, दिस इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, वेयर डू यू लिव, राइट। उसके बाद विच
वुड मेक यू हैप्पी। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस है जहां पे आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो, उन सेंटेंसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वी कॉल देम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे, जब यहाँ पे नॉट ऐड हो जाएगा, क्वेश्चन तो पुटअप कर ही रहा है बट देन यस नेगेटिव एलिमेंट के लिए आप वहां नॉट ऐड कर दो, तो वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इज शी, अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हूँ तो इज शी नॉट योर सिस्टर, राइट, इज शी नॉट योर सिस्टर। ठीक है, वेयर डू यू लिव, विच कार वुड मेक यू हैप्पियर। उसके बाद कुछ और सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या हुआ, क्वेश्चन भी पुट अप कर रहे हो कि क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, और ये नेगेटिव भी हो गया। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट। आई होप इट इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल डू योर पेरेंट्स नॉट गो टू द मूवी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भी पुट अप हो रहा है और एक तरीके से सेंटेंस नेगेटिव भी हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैव दे नॉट पेड फॉर देयर डिनर। ठीक है, हैव दे नॉट पेड फॉर देयर डिनर। अभी ये क्या है, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, राइट। सो दीज आर दी काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो एक रफ कैटेगराइजेशन मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो एफर्मेटिव होंगे, एफर्मेटिव कौन से होंगे, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगी, जो जनरल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, नेगेटिव होंगी जब आप उसमें नॉट ऐड कर दोगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव कब होंगी, जब आप किसी तरीके का कुछ भी क्वेश्चन जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हो, पुटअप कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगी कि क्वेश्चन तो पुटअप कर रहे हो प्लस उसमें नॉट भी ऐड किया हुआ। सो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट वी हैव सीन टुडे, राइट। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस शुरू करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस, आई जस्ट वॉन्ट टू नो इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज पोस्ट इट इन दी चैट बॉक्स। किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में पोस्ट करो। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं अभी के लिए 30 सेकेंड्स वेट करूंगी आप लोगों के मैसेज का। सो दिस इज अ 30 सेकेंड ब्रेक। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं अभी तक, ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट कर दो, राइट। सी इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, इन केस अगर आपको कोई डाउट नहीं है, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट प्लीज गिव अ थम्स अप, एक थम्स अप दे दो सारे, राइट। ओके ओके, सो आई हैव स्टार्टेड गेटिंग थम्स अप। ओके, चलिए तो उसके बाद हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस। आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट्स अभी तक, सो सब कुछ को क्लियर है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। देखिए,
अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, राइट। प्रेजेंट टेंस में हमने बेसिकली क्या देखा था, प्रेजेंट टेंस में बेसिकली हमने देखा था कि टुडे, आज हम जो काम कर रहे हैं, आज हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उस काम के टाइम को बताने के लिए, बेसिकली जो काम हम आज कर रहे हैं, ठीक है, उस काम को डिनोट करने के लिए हम जो टेंस यूज करते हैं, दैट इज प्रेजेंट टेंस, राइट। प्रेजेंट टेंस में बेसिकली क्या होगा, प्रेजेंट टेंस जो है वो बेसिकली बताया था आपको फोर टाइप्स का है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं, ये आपने बहुत नॉर्मली और कॉमन उसमें सुना होगा, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी क्या करते हैं, बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बेसिकली कहाँ यूज होता है, इट इज यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। तो कोई भी साइंटिफिक फैक्ट्स या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, को दिखाने के लिए, ठीक है, हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। या फिर बेसिकली कोई भी ऐसा काम जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए हम जो टेंस यूज करते हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट। सिंपल प्रेजेंट को ही हम प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। अब हम हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, मैं आपको बता देती हूँ। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने जो फोर टाइप के सेंटेंसेस पढ़े हैं, लाइक एफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंटेरोगेटिव पढ़ा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव पढ़ा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको इनमें से कोई भी फॉर्म ऑफ सेंटेंस अगर बनाना हो या लिखना हो, पॉजिटिव लिखना हो, नेगेटिव लिखना हो, क्वेश्चन पूछना हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आप कैसे बनाओगे, राइट। हम लोग क्या करेंगे, हर एक टेंस में को इन चार रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब इन ये चार सेंटेंसेस का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेंस में कैसे होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मतलब जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या, आई एम सो सॉरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इंटेरोगेटिव में क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। और हर टेंस को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तब भी हम रूल्स जो है इन चार सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली ही देखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे टेंस यूज हो रहा है, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे आपको रूल्स तो याद रहेंगे ही, लाइक सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव का क्या रूल था या नेगेटिव का, वो रूल्स तो याद रहेंगे ही, प्लस आप लोग क्या कर पाओगे, डिस्टिंग्विश भी कर पाओगे, ठीक है, कि सिंपल प्रेजेंट में एफर्मेटिव में क्या रूल था और फॉर एग्जाम्पल सिंपल पास्ट में क्या रूल था या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या रूल था, ठीक है। तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, और उसको करना आपके लिए इजी हो जाएगा। और एक और चीज बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, है ना, आई विल आई जस्ट वॉन्ट टू कम्युनिकेट, आई गेस आई हैव एडेड इन दिस स्लाइड ओनली, लेट मी जस्ट सी, नो इट्स नॉट एडेड हियर, आई हैव टू ऐड, मैं अपने खुद के नोट्स का एक पिक्चर शायद ऐड किया था इसमें, किया था या दूसरे किसी स्लाइड में, वो कल देखते हैं, अभी के लिए शुरू करते हैं लेक्चर, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होगा, साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट बेसिकली जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अब ये क्या है, एक तरीके का साइंटिफिक फैक्ट है, लेकिन इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ, सिंपल प्रेजेंट, राइट। तो इस तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, नाउ दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि अर्थ जो है दिस इज अर्थ, और ये बेसिकली क्या कर रही है, ये सन के अराउंड जो है वो बेसिकली क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो जब भी कोई साइंटिफिक फैक्ट होगा या यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या कोई भी ऐसा काम जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं उसको आपको सेंटेंस की फॉर्म में दिखाना है, तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग सिंपल प्रेजेंट, या फिर कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब एफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाना होगा तो क्या स्ट्रक्चर होगा, देखो ध्यान से समझो, सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई, और हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो हो गई,
यहाँ पे जब हम टेंसेस में पढ़ेंगे, यू विल सी कि ऑलमोस्ट हर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो है ही, अगर कहीं पे चेंजेस आ रहे हैं तो वो वर्ब में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ब क्या करेगा, एक्शन को दिखाता है, ठीक है, और टेंसेस क्या करते हैं, टाइम ऑफ एक्शन को दिखा रहे हैं. तो जब भी टेंसेस चेंज होंगे तो आपका जो वर्ब है, वर्ब क्या होगा, चेंज होगा, वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो टाइम चेंज होगा, वैसे ही आपका वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा. तो मोस्टली जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, यू विल सी कि वर्ब में जो है वो ज्यादातर चेंजेस आ रहे हैं, राइट. देखो अभी एफर्मेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद वर्ब होगा, और उसके बाद बेसिकली क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. अभी वर्ब जो है आप V1 या V5 फॉर्म में से कोई भी यूज कर सकते हो. V1 फॉर्म कौन सी थी, सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, और V5 फॉर्म कौन सी थी, प्लूरल, ओ सॉरी सिंगुलर, ठीक है. तो V1 फॉर्म जो थी दैट वाज प्लूरल, एंड V5 फॉर्म जो थी वो सिंगुलर थी. अब V1 फॉर्म प्लूरल है, इसका एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल दे प्ले, ठीक है. अब प्ले जो है दैट इज V1 फॉर्म ऑफ द प्ले, ठीक है, तो दे प्ले ये जो है V1 फॉर्म है, ये किस किसके साथ यूज हुई, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, राइट, दे प्ले. अभी ही प्लेज, ठीक है, ही प्लेज जो है यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट क्या आपका, सिंगुलर, और ये कौन सी फॉर्म है, प्ले की, V5 फॉर्म, ठीक है. तो V5 फॉर्म जो है हम बेसिकली किसके साथ यूज करते हैं, वी यूज इट विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड V1 फॉर्म वी यूज विद द प्लूरल सब्जेक्ट, राइट. तो ये जो है वर्ब की फॉर्म यहाँ पे कौन सी होगी, V1 या V5, V5 किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है. अब उसके बाद देखो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, V1 या V5 फॉर्म होगी, V1 यूज करोगे या V5, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है. सिंगुलर है तो कौन सी फॉर्म यूज करोगे, V5, प्लूरल है तो कौन सी फॉर्म यूज करोगे, V1, ठीक है. उसके बाद देखो, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट. तो एफर्मेटिव में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, या तो वर्ब की V1 फॉर्म या V5 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके. ठीक है, ये देखो अब इस स्ट्रक्चर को याद कर लो, इस स्ट्रक्चर को जब याद, ये स्ट्रक्चर जब आपको याद हो जाएगा तो आने वाले जितने भी हम टेंसेस पढ़ेंगे सबको इजीली आप क्या रख पाओगे, याद कर पाओगे, ठीक है. तो सिंपल प्रेजेंट में एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल प्रेजेंट में एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब V1 यूज करनी है या V5, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, जनरली नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड. हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, मेन वर्ब को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, जैसे कि इज, जैसे कि एम, जैसे कि आर, जैसे कि वर, जैसे कि वॉज, राइट. तो ये सब बेसिकली क्या थे, एटसेट्रा, ये सब बेसिकली क्या थे आपके, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, जो मेन वर्ब को बेसिकली क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो जनरली हम सिंपल प्रेजेंट में क्या नहीं यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब देखो कहीं यूज ही नहीं हुआ, अर्थ बेसिकली आपका सब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स जो है वो आपका वर्ब आ जाएगा, अराउंड द सन इज ऑब्जेक्ट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वॉटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अभी वॉटर जो है आपका सब्जेक्ट है, बॉइल्स जो है आपका वर्ब है, एट 100 डिग्री सेल्सियस इज ऑब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज हुआ, हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं हो रहा, ठीक है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब जनरली यूज नहीं करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं यूज होता है, ठीक है. अब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है आपको कैसे पता चलेगा, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है, आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए. देखो सब्जेक्ट सिंगुलर जो है वो हमेशा V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब को लेगा, ठीक है. सिंगुलर सब्जेक्ट्स के एग्जांपल देखो, ही शी इट या कोई भी प्रॉपर नाउन, ठीक है, उसके साथ आप क्या लोगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लोगे, ठीक है. प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, वी यू दे आई, ये बेसिकली क्या होंगे, आपके प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट होंगे, और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट. तो ये आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, सो दैट आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ना हो, और सब कुछ आपको इन्हीं स्लाइड्स में रिवाइज करने को मिल जाए जब आप खुद से पढ़ो. तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स भी मेंशन करनी है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, और प्लूरल है
तो इनमें से कोई ना कोई क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और V5 फॉर्म आप इनके साथ यूज करोगे और V1 फॉर्म आप इनके साथ यूज करोगे। अब V1 और V5 फॉर्म क्या होता है, ये हमने वर्ब चैप्टर में पढ़ा था अच्छे से, राइट। और मैंने आपको ये भी बोला था कि इन फॉर्म्स को थोड़ा सा पढ़ लेना और चेक कर लेना, राइट राइट। तो ये जो था आपका एफर्मेटिव का क्या था, सेंटेंस स्ट्रक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनेट में। क्या स्ट्रक्चर पड़ा एफर्मेटिव में, सब्जेक्ट V1 और V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। V1 बेसिकली किसके साथ जाएगी, सब्जेक्ट जब आपका प्लूरल है, और V5 किसके साथ जाएगी, सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर है, राइट। ओके, आई गेस इट इज क्लियर टू ऑल। आई गेस इस एफर्मेटिव सबको समझ आया होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो, शी राइट्स अ लेटर, शी सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब लेटर ऑब्जेक्ट, ही प्लेज फुटबॉल। अभी यहाँ राइट्स लिया, राइट्स क्यों लिया, राइट्स इज व्हाट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट्स जो है वो कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दैट इज V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्यों ली V5, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या है आपका सिंगुलर। ही प्लेज फुटबॉल, ही बेसिकली क्या है सब्जेक्ट, प्लेज इज अ वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, V5, ठीक है। V5 फॉर्म में एस या ई एस यूज होता है, ठीक है, ये उसकी पहचान है, यहां से समझोगे, ठीक है। फुटबॉल, ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल। अभी ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, हेंस V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई नो यू, आई नो यू, ठीक है। अब आई जो है वो सब्जेक्ट है, नो इज द वर्ब, एंड यहाँ पे बेसिकली यू जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे नो जो है V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि अगर V5 होती तो नोज लिखा होता ना, ठीक है। ही नोज मी, सॉरी दे नो मी, ही नोज मी, ठीक है, ही नोज मी, राइट। ही जो है आपका बेसिकली क्या आ जाएगा सिंगुलर, नोज जो है आपका बेसिकली क्या आ जाएगा आपका V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा, मी इज अगेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब बेसिकली कौन सी होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब यूज होती है। ही इज सिंगुलर ना, वन पर्सन को, वन बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई नो यू, आई जो है वो बेसिकली क्या है सिंगुलर है, बट हम इसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह। यहाँ देखो मेंशनड है, आई एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखोगे सब लोग, ठीक है। आई जो है दैट इज सिंगुलर, मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे को अकेली को, ठीक है, आई एम वन पर्सन, राइट। लेकिन इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, हेंस इसके साथ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, राइट। तो आई जो है वो बेसिकली क्या है, दैट इज द सब्जेक्ट, बट इट इज ट्रीटेड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, हेंस इसके साथ हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। ये एग्जाम्पल यहाँ पे इसीलिए इंक्लूड किया मैंने ताकि आप ये समझ सको कि आई जो है, ऑल्दो वो सिर्फ वन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे, ठीक है, बट देन हम उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, हम उसको ऐसे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं जो क्या है प्लूरल है, हेंस उसको कैसा वर्ब देंगे, प्लूरल वर्ब देंगे, ठीक है। ओके, देखो वी लर्न इंग्लिश, वी जो है आपका कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, हेंस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, एंड इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट, राइट। आई होप इट इज क्लियर, आई होप एफर्मेटिव सबको क्लियर होगा, राइट। तो यहाँ पे इन स्लाइड्स में सब कुछ ही मेंशनड है, मैं आपको समझा रही हूँ फिर भी कि किस तरीके से आपको इसको स्टडी करना है, राइट। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, उसके अलावा हमने यूनिवर्सल साइंटिफिक फैक्ट्स का कुछ एग्जाम्पल देखा, यूनिवर्सल ट्रुथ का कुछ एग्जाम्पल देखा, राइट। सो दैट आपको ये पता चले कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, और उसमें एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, राइट। अब जो सिंपल प्रेजेंट का एफर्मेटिव है, अगर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, देखो बहुत सिंपल है। एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या पड़ा था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा था, ठीक है, यही पढ़ के आए हम अभी। वर्ब की फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सब्जेक्ट के ऊपर। देखो ये चीज आप अलग से याद कर लो, एक नया चैप्टर जब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट करके, उसमें भी मैं आपको यही बात सिखाऊंगी, लेकिन क्योंकि हमने तब भी ये चीज सीखनी है तो व्हाई नॉट लर्न इट फ्रॉम नाउ ओनली। देखो वर्ब जो है ना, वर्ब किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो, उसमें अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो चेंज किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। एक चीज आप हमेशा से हमेशा याद रखोगे और अभी से याद रखना शुरू करोगे, सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब का चेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर, यही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राइट। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब कैसा लोगे आप, प्लूरल, ठीक है। तो एक सिंपल सा रूल है,
जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप अभी से याद रखोगे, ठीक है? ओके, अ वेरी सिंपल रूल, ठीक है? वर्ब जो है, वर्ब का चेंज किसके ऊपर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा सेंटेंस में. सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा, राइट? तो यहाँ पे यही मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पे जो एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का चेंज है, V1 यूज होगा या V5, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर. अब एफर्मेटिव सेंटेंस को अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा? देखो, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है नेगेटिव का. सब्जेक्ट एज इट इज रखोगे, हेल्पिंग वर्ब ऐड करोगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करोगे, ताकि सेंटेंस क्या बन जाए? नेगेटिव, राइट? और उसके बाद बेसिकली कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे इसमें? V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसमें फिक्स्ड है, इसमें एक सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसमें फिक्स्ड है. V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करोगे एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका क्या बना? ये बना, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, नॉट आ जाएगा. कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब? V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो दिस इज योर सेंटेंस स्ट्रक्चर. किसमें? नेगेटिव सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट. तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, उनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब या तो डू यूज करोगे या डज यूज करोगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात हो रही है, ठीक है? नॉट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव. कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब? V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब प्रेजेंट इंडेफिनेट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे देखो, नो नेगेटिव सेंटेंस इज फॉर्मड विदाउट हेल्पिंग वर्ब. मतलब यहाँ पे हमें डू या डज यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है? और डू या डज क्या है? बेसिकली आपका हेल्पिंग वर्ब, राइट? ओके, देखो, अब मैंने यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप बेसिकली डू या डज, ठीक है, इफ हेल्पिंग वर्ब डू या डज है तो V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आप क्या करोगे? यूज करोगे. डू कहाँ यूज करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ, और डज कहाँ यूज करना है, वो भी यहाँ पे देखो मेंशनड है, ठीक है? डज आप कब यूज करते हो? जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर. और डू कब यूज करते हो? जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल, राइट? तो इसको आप याद रखोगे. फॉर एग्जाम्पल देखो, वी डू, यहाँ पे वी जो है वो बेसिकली क्या है आपका? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, हेंस यहाँ पे डू यूज किया. डज कब यूज करते हो? जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर. और हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल जो हमने आज पढ़ा है वो क्या पढ़ा था? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर. यहाँ पे सब्जेक्ट बेसिकली क्या है? सिंगुलर, हेंस हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसा लिया? सिंगुलर, राइट? और यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट देखो प्लूरल एंड हेल्पिंग वर्ब देखो, ठीक है? तो इस चीज के अकॉर्डिंगली आपको ये क्या रखना है, नेगेटिव का रूल क्या करना है, याद रखना है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? आई एम जस्ट क्लियरिंग द बोर्ड. देखो, अब नेगेटिव का क्या पढ़ा? एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें बहुत सिंपल सा पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये किसका था? एफर्मेटिव का. इसमें कोई भी नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, राइट? ओके, और वर्ब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर. ये पढ़ा हमने एफर्मेटिव में. नेगेटिव में हमने क्या पढ़ा? नेगेटिव में हम बहुत सिंपल सा पढ़ा था, सब्जेक्ट होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब होगा डू या डज, प्लस नॉट होगा, ठीक है? प्लस कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब? V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा? आपका नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा अफर्मेटिव का, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है? अब इसको अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा, कैसे लिखोगे सोचो? शी, ठीक है, डैश नॉट राइट अ लेटर, ठीक है? शी बेसिकली आपका क्या है? शी इज सिंगुलर, hence does, she does not write a letter, ठीक है? she जो है आपका सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट. ये देखो, यहाँ पे he भी तो यूज किया था, ठीक है? उसके बाद ये आपका क्या आया? हेल्पिंग वर्ब. दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज नॉट, दिस इज वॉट फॉर्म ऑफ द वर्ब? V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज वॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है? ही प्लेज फुटबॉल. अब यहाँ क्या आ जाएगा? ही डज नॉट. प्लेस का देखो, यहाँ पे V5 फॉर्म है, यहाँ पे बेसिकली कौन सी आ जाएगी? ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है? यहाँ पे ही बेसिकली क्या है? सब्जेक्ट, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, प्ले इज अगेन V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट. तो अल्टीमेटली क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहा है? यही वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है? आई नो यू,
ठीक है, आई डू नॉट नो यू, ठीक है, आई के साथ क्या यूज किया, डू, ठीक है, क्योंकि आई को हम कैसा सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, प्लूरल, ठीक है. देखो, वी लर्न इंग्लिश, वी डू नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है, वी बेसिकली सब्जेक्ट, डू नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, लर्न इज योर वर्ब, कौन सी फॉर्म, वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड इंग्लिश इज योर ऑब्जेक्ट. तो आई जस्ट होप आपको ये एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो आ गया होगा और ये पता चल गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव का क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है और नेगेटिव का क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, राइट. इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. अब ये एग्जाम्पल्स जो है, मैंने यहाँ पे आपको सेम एग्जाम्पल्स रखे हैं जो हमने यहाँ पे एफर्मेटिव में एग्जाम्पल्स यूज किए, वही मैंने नेक्स्ट स्लाइड में, लेट मी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वही मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपके नेगेटिव के रखे हैं एग्जाम्पल्स, देखो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट. ठीक है, आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. ठीक है, आई जस्ट होप आपको ये डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि एफर्मेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था और नेगेटिव में हमने क्या पढ़ा. अभी इंटेरोगेटिव में देखो, अभी इंटेरोगेटिव में क्या होगा, देखो, एफर्मेटिव में क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट पढ़ा था, वी वन और वी फाइव फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर. नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट पढ़ा था, डू या डज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, यही पढ़ा. अब बेसिकली आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करोगे, देखो, जब भी हम एफर्मेटिव सेंटेंस से, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी ये वाला जो सेंटेंस था, से इंटेरोगेटिव किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अभी ये एफर्मेटिव जो है हम सिंपल प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव में यूज नहीं हो रहा है, बट नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं बाकी टेंसेस में, राइट. तो हेंस यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस से जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जाओगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है इस तरीके से होता है ना, नॉर्मल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से मिलेगा आपको, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब होगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आएगा, ठीक है. नॉर्मल टेंसेस में आपको इस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलेगा, बस एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जहां पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं, देखो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, लेकिन नॉर्मल टेंसेस में आपको इस तरीके से मिलेगा, राइट. अब जब भी एफर्मेटिव सेंटेंस से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जा रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है और ये जो सब्जेक्ट है, इनकी प्लेसेस जो है वो बेसिकली क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी प्लेसेस, राइट. मतलब सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब जो है वो बेसिकली किसकी जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, हेंस ये आपका क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. तो सेम हम यहाँ पे टेंस में भी कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली क्या था, जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे थे उसको आगे लेके आएंगे, अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे थे, या तो डू या डज, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सब्जेक्ट को डाला, ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस थे वर्ब के, वी वन या वी फाइव फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब वी वन या वी फाइव किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर, राइट, और प्लस क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आपका इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बना, ये बन गया, देखो, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल, हेल्पिंग वर्ब आ गया, डू या डस, सब्जेक्ट आ गया, वी वन और वी फाइव, ये ऑब्लीग है, ये स्लैश है, ठीक है, एक वर्ब यूज करोगे, दोनों नहीं, हेंस क्या, एडिशन नहीं आएगा, फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करोगे और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, राइट, डू डस सब्जेक्ट वी वन और वी फाइव फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट, ओके, आई होप इट इज क्लियर. इंटेरोगेटिव में आपका बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर, आई जस्ट होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट. अब देखो, एफर्मेटिव में एक एग्जाम्पल पढ़ा था, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है, अब बेसिकली जो है इसको अगर इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे, ये देखो एग्जाम्पल, डज शी राइट अ लेटर, ठीक है, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, ठीक है, डज शी राइट अ लेटर, ठीक है, तो ये क्या बना आपका, एफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव, ठीक है, डज शी राइट अ लेटर, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब का फॉर्म लग गया और उसके बाद अ लेटर, राइट, उसके बाद डज ही
प्ले फुटबॉल, डू आई नो यू, डू वी लर्न इंग्लिश. तो आई यूज द सेम एग्जाम्पल्स जो हमने एफर्मेटिव में यूज किए थे, ताकि आप यहीं से जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी समझना शुरू कर दो, कि एफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव कैसे गए या एफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बना. तो ये स्ट्रक्चर जो होगा ये आपको बेसिकली क्या हो जाएगा, समझ आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. अब इंटेरोगेटिव से अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव जाना है तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रखो, प्लस क्या रखोगे, सब्जेक्ट रखोगे. नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, नॉट ऐड करेंगे, प्लस वी वन और वी फाइव फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा, एंड आपका बेसिकली क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब. तो ये आपका क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव. क्या किया इंटेरोगेटिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर में, मैंने बस एक चीज की, छोटी सी चीज, क्या छोटी सी चीज की, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर दिया, हेंस ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव. और देखो यही किया हुआ इसमें, सी डू या डस, सब्जेक्ट नॉट, वी वन और वी फाइव फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में एक्चुअली होगा ये कि सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा और सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली बाद में आएगा. ठीक है, एनी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब यू विल यूज हियर, राइट, वी वन और वी फाइव डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, राइट. ओके, अब देखो, डज शी नॉट राइट अ लेटर, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, डू आई नॉट नो यू, डू वी नॉट नो नॉट लर्न इंग्लिश. ठीक है, इसको यहाँ पे नो नहीं आएगा, लेट मी जस्ट करेक्ट इट. ये दोनों तीनों चीजें मुझे यहाँ पे करेक्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन. आई जस्ट होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. आई होप इट इज कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी तक, किसी को कुछ भी डाउट्स हैं तो जस्ट लेट मी नो. ठीक है, तो आई जस्ट होप ये आपको समझ आया होगा. अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सी डोंट गेट बोर्ड कि मैम इतनी बार क्यों रिपीट कर रही है, मैम इसलिए रिपीट कर रही है ताकि आपको क्लास में ही सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स याद हो जाएं. ठीक है, ताकि आपको घर जाके ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े. एंड दिस इज माई हैबिट ऑफ यू नो मेकिंग यू गाइज लर्न थिंग्स इन द क्लास ओनली. ठीक है, यू कैन से दैट इज माई टीचिंग स्टाइल, राइट. तो एफर्मेटिव में हमने क्या पढ़ा था, अब इसके घर जाके जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो इस तरीके से बना लेना जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या पढ़ा, एफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, और बेसिकली कौन सा पढ़ा, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव. ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या करना है, आपने टेबल बना लेना है. ठीक है, यू विल बी मेकिंग अ टेबल लाइक दिस, नेगेटिव ये देखो. ठीक है, अब एफर्मेटिव में सिंपल प्रेजेंट में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लिख दोगे, सब्जेक्ट पढ़ा था, सब्जेक्ट के बाद वी वन और वी फाइव फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ी थी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन द एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस व्हाट, वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले कर दो और उसके बाद बेसिकली सब्जेक्ट ले आओ, उसके बाद नॉट लगाओ, नॉट लगाने के बाद वी वन और वी फाइव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करोगे एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन और वी फाइव फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क, राइट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन. इस तरीके से टेबल ड्रॉ कर लेना और ये आपका टेबल जो है वो बड़ा होता जाएगा, कब, जैसे जैसे हम और टाइप्स ऑफ जो है वो बेसिकली टेंसेस पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट था, उसके बाद यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा यहाँ मेंशन करोगे, नेगेटिव का यहाँ, इंटेरोगेटिव का यहाँ और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का यहाँ, राइट. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टेबल ड्रॉ करनी है अपनी, जहाँ पे आपके सारे टेंसेस जो है एक ही पेज के ऊपर जो है वो क्या हो जाए, समराइज हो जाए. कल मैं आपको अपने नोट्स जो है यहाँ पे दिखा भी दूंगी, आई विल पुट इट ऑन डिस्प्ले. ठीक है, कि मैंने अपने टाइम में कैसे बनाया था, सो दैट वो आपको कुछ ना कुछ उससे हेल्प मिल जाए, आप उसको रेफरेंस की तरह यूज करो और अपने नोट्स भी टेंसेस के वैसे ही बनाओ, ताकि आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन है कि फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था या पास्ट परफेक्ट में क्या था, तो आपको सिर्फ एक टेबल या एक ही पेज को बेसिकली बार बार रिवाइज करना पड़े और आपके कंफ्यूजन जो है वो सब जो है वो रूल आउट हो जाए. ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. इसी के साथ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस जो उसको क्या किया, फिनिश किया. अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट बेसिकली क्या है,
नेक्स्ट टाइप ऑफ जो है आपका दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेसिकली क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है दैट इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन टेकिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. मतलब अभी जब मैं बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है, अभी बात करते करते मैं क्या कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टाइपिंग अ मैसेज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ड्रिंकिंग टी, तो आपसे बात करते करते जो मैं काम कर रही हूँ तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो हम टेंस यूज करते हैं दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं बात कर रही हूँ उस टाइम पे जो एक्शन कर रही हूँ उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ाते हुए व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग ऑल्सो, ठीक है. आपको पढ़ाते हुए मैं क्या आपको करा रही हूँ, रिवाइज भी करा रही हूँ, ठीक है. तो आपसे बात करते करते जो मैं और काम कर रही हूँ उन सबको एक्सप्रेस करने के लिए जो हम टेंस यूज करते हैं दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट. अब इसमें भी सबसे पहले हम एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे. एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आ जाएगा, आप कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ ING ऐड करके एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो ये जो होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा. अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, इधर इज यूज करोगे और एम या फिर आर यूज करोगे. इज कब यूज करोगे, जब आपका सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, सिंगुलर. एम कब यूज करोगे, आई के साथ यूज करोगे, आई एम, ठीक है. आर कब यूज करोगे, जब आपका सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, प्लूरल है, ठीक है. तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हुई है. देखो एफर्मेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए आपने, ठीक है. हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, इज एम एंड आर, V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है. अब देखो V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब V1 फॉर्म क्या होगी, प्ले, ठीक है. बेसिक फॉर्म जो है वो V1 है, इसके साथ ING जोड़ना है, ठीक है. सो दिस इज योर V1 प्लस ING फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है. राइट जो है आपकी क्या है, V1 फॉर्म है, उसके साथ ING जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, राइटिंग, ठीक है. एंड V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम V4 फॉर्म भी बोलते हैं. कौन सी फॉर्म बोलते हैं, V4. अब मैं यहाँ पे V4 भी मेंशन कर सकती थी, बट वो धीरे धीरे आने वाली स्लाइड्स में मैंने मेंशन किया भी हुआ है. क्यों मेंशन नहीं किया यहाँ पे, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट कंफ्यूज इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. अगर अभी आपको रिवाइज नहीं भी किया है आपने, या उस चैप्टर को, वर्ब्स वाले चैप्टर को रिवाइज करना है तो उसको कर लेना. बट V1 फॉर्म जो है वो सबसे सिंपल फॉर्म है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ पे V1 फॉर्म प्लस ING लिखा, क्योंकि ये तो आपको याद ही होगी डेफिनेटली, ये तो भूलने वाला है ही नहीं, ठीक है. तो V1 और ING फॉर्म जब मिल जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, V4 फॉर्म भी बोलते हैं, ये वाली V4, राइट. यानी प्लेइंग जो होगा वो बेसिकली आपका V4 फॉर्म है, राइटिंग आपका V4 फॉर्म है, डांसिंग आपका V4 फॉर्म है, लविंग आपका V4 फॉर्म है, रिवाइजिंग, ठीक है, आपका V4 फॉर्म. तो जहां पे भी ING लग रहा है वो सब आपकी कौन सी फॉर्म्स आ जाएंगी, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट. इसको हम क्या बोलते हैं, V1 प्लस ING फॉर्म भी क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है. ओके, तो आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसमें एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1 प्लस ING फॉर्म विच इज V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट. हेल्पिंग वर्ब जो है आप यूज करोगे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ये जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज यूज करोगे, प्लूरल है तो आर यूज करोगे. इज क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज सिंगुलर तो ही इज, शी इज सिंगुलर तो शी इज, राइट. सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो आर यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल दे, दे जो है वो प्लूरल है तो आर, ठीक है. वी, वी प्लूरल है तो आर, राइट. आई के साथ एक एक्सेप्शनल है, आई इज अ प्रोनाउन, ठीक है. इसके साथ हम बेसिकली क्या करते हैं, आई एम यूज करते हैं, ठीक है. ओके, आई होप इट इज क्लियर. ये सब मैंने यहाँ पे इसमें इस पर्टिकुलर बॉक्स में मेंशन किया हुआ है. देखो अब एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विच इज एम आर, V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपका एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये रहेगा. हेल्पिंग फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब जो है, ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज हुए हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सेंटेंस में इज यूज कर रहे हो या आम या आर, ठीक है. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप क्या यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब, इज यूज करोगे. अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, ही शी इट, राइट. सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप क्या यूज करोगे, आर यूज करोगे. अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होंगे, वी यू दे, राइट.
सब्जेक्ट अगर आपका आई है, आई के केस में हम हमेशा एक्सेप्शन लेके चलते हैं, आम यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब, और आई को हम कैसा सब्जेक्ट मानते हैं, हम प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है, राइट ओके. अब देखो एग्जाम्पल्स, देखो अब जब हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था, तो हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, शी राइट्स अ लेटर, और सिंपल प्रेजेंट में ही उसको हम बेसिकली हमने वेरियस फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस में देखा था, नेगेटिव में देखा था, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव में देखा था, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देखा था, राइट. अब शी राइट्स अ लेटर को ही देखो, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है ये, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे लिखेंगे. देखो सिंपल प्रेजेंट में जब लिखा हुआ था तो क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो किया था, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये यूज किया था सिंपल प्रेजेंट में. अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या था, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है, शी वॉज योर सब्जेक्ट, राइट्स जो है आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, दिस इज योर V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, अ लेटर जो है वो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है. अब देखो यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये यूज किया था, अब यहां से हमने क्या करना है, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर पे शिफ्ट करना है, सब्जेक्ट एज इट इज, राइट, लेट मी जस्ट यूज सम अदर इंग फॉर योर बेटर क्लैरिटी. सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट यहाँ पे बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट यहाँ बेसिकली क्या है आपका, सब्जेक्ट इज सेम, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऐड हुआ, यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यहाँ V1 या V5 थी एंड ऑब्जेक्ट. तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस ऑल्सो, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ठीक है, आपका हेल्पिंग वर्ब ऐड हो गया, यहाँ पे V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा, यहाँ V1 या V5 फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, ठीक है. अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर को जब हम कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट को हमें किसमें करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बेसिकली आपका कौन सा टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा, ठीक है. जैसे शी राइट्स अ लेटर का क्या हो गया, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज योर सब्जेक्ट, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज किया हमने इज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, राइटिंग जो है V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड देखो ये सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर यही है, ठीक है. आई होप आपको डिफरेंस भी समझ आ रहा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में और यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फॉर्म दोनों यहाँ पे चेंज हो गए, और यहाँ पे हम सिर्फ V1 या V5 फॉर्म यूज कर रहे थे, राइट. आई होप आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो था वो क्या डिफरेंस था, वो क्या अलग हम यूज कर रहे थे, और अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट है, राइट ओके. अब वहां तक क्या था, ही प्लेज फुटबॉल, अब यहाँ क्या आ गया, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वी आर लर्निंग इंग्लिश, आई एम वेटिंग फॉर द बस, ठीक है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं देखे हैं, ठीक है ओके. अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है दैट वुड बी नेगेटिव, अब नेगेटिव में क्या करोगे, वही सिंपल, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिव. तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस ये क्या ऐड किया, नॉट ऐड किया, ठीक है, राइटिंग का V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, या इसको क्या बोलते हैं हम, V1 प्लस ING भी बोलते हैं, ठीक है, और अ लेटर ऑब्जेक्ट. तो आपका नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. देखो सी व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि अगर आपको सिर्फ एफर्मेटिव भी याद है तो बाकी सब आप खुद से बना सकते हो, ठीक है, और वही प्रैक्टिस अभी हम क्लास में कर रहे हैं. सी आई डोंट वांट यू टू डिपेंड ऑन दी स्लाइड्स, ठीक है, आप इन स्लाइड्स को या इन नोट्स को यूज करोगे समझने के लिए, पर यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ कि आप अपने ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी खुद से बना सको. अगर आप एग्जाम में हो एंड आप कोई रूल भूल गए, आपको नहीं याद आ रहा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा या नहीं होगा, तो एटलीस्ट आप खुद से अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर पाओ, और इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे क्या कर रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है. तो एफर्मेटिव देखो, एफर्मेटिव में ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा, तो नेगेटिव में क्या हुआ, नेगेटिव में हमने उसमें नॉट ऐड किया हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेंस वो क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस, राइट. शी ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट वेटिंग फॉर द बस, राइट.
तो ये आपका बेसिकली क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. अब देखो नेक्स्ट, आई विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और यही सेम स्ट्रक्चर जो होगा वो वहां मेंशनड होगा. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपको एफर्मेटिव भी याद है तो बाकी सब चीजें आप खुद से उसको कर सकते हो कन्वर्ट, दूसरे सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, राइट. अगर आपको कुछ समझना पड़ेगा तो वो है कॉन्सेप्ट, जो इन इन इस पर्टिकुलर फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी समझाई चुकी हूँ, राइट. और धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में भी हम समझेंगे टेंसेस के, राइट. ओके. और यही रीजन है कि हम इस क्लास में अभी थोड़ा क्या चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन ओन योर ओन ट्रांसफॉर्म वन काइंड ऑफ यू नो सेंटेंस विच इज यूजिंग अ पर्टिकुलर टेंस इनटू द अनदर, राइट. अभी देखो नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. सी, इट इज द सेम ओनली. देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट ऐड किया, सिर्फ एक नॉट ऐड हुआ ना हेल्पिंग वर्ब के बाद, और उसके बाद V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट वेटिंग फॉर द बस, राइट. अब इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को हटाओ, और उसके बाद यहाँ क्या होगा, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में इसको डालने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को इधर लेके जाएंगे और सब्जेक्ट को इधर. तो कर दो अब इसको, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. ये आपका क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस. देखो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. दिस इज योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इज शी राइटिंग अ लेटर, इज ही प्लेइंग अ फुटबॉल, इज ही प्लेइंग फुटबॉल. लेट मी जस्ट मेक अ करेक्शन हियर. इज ही प्लेइंग फुट, आर वी लर्निंग इंग्लिश, एम आई वेटिंग फॉर द बस, राइट. तो ये आपके बेसिकली क्या आ जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आ जाएंगे इंटेरोगेटिव के. अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव से, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, सेम रखोगे सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड कर दोगे, नॉट. तो ये आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव. देखो यही डिफरेंस है, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट. अभी यहाँ नॉट ऐड नहीं किया हुआ था इंटेरोगेटिव में, यहाँ पे नॉट ऐड किया. V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सो द डिफरेंस इज ओनली ऑफ नॉट वर्ड, राइट. तो अगर आप नॉट ऐड कर दोगे सब्जेक्ट के बाद, हेंस सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका, इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव. इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश, एम आई नॉट वेटिंग फॉर द बस, राइट. तो यहाँ पे बेसिकली आपके हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहे हैं, नॉट ऐड किया गया, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर द बस ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है. आई होप थिंग्स आर नाउ गेटिंग क्लियर टू यू, ठीक है. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, कुछ इश्यू है, कुछ समझ नहीं आ रहा. अगर समझ आ रहा है तो भी उधर मेंशन करो कि यस यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. सी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. हमारा हमारे दो मोटिव्स हैं यहाँ पे. नंबर वन, हम स्ट्रक्चर समझ लें टेंस का क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस में, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंसेस में भी और सेंटेंसेस में भी, ठीक है. और हमें डिफरेंस भी समझना है किस चीज का, वेरियस फॉर्म ऑफ टेंसेस में, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज हो रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, इनके डिफरेंसेस भी समझने हैं, राइट. आई होप इट इज क्लियर. ओके, तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे ही वाइंड अप करेंगे. कल की क्लास जो है उसमें हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करेंगे. वी विल ट्राई फिनिशिंग द पास्ट टेंस एज वेल, राइट. ठीक है, कुछ भी डाउट्स अगर होंगे तो प्लीज मेंशन इट टुमारो, हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है. आई होप इतना सबको समझ आ रहा है, बिकॉज आई एम गेटिंग द पॉजिटिव रिप्लाइज फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू, राइट. तो विद दिस आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास. आई विल सी यू टुमारो एट 7:30 AM, राइट. एंड चलिए कल मिलते हैं फिर. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, थैंक यू सो मच.